दोस्तों, आपने YouTube पर बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें हमें GST इनवॉइस बनाना बताया गया है, लेकिन आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं कि किस तरह हम एक्सेल में ऑटोमेटिक GST इनवॉइस बना सकते हैं। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको YouTube पर कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी GST इनवॉइस बनाने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो बिना टाइम गंवाएं चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। अगर आपको डेमो पसंद आए तभी आप इस वीडियो को देखना, बाकी अगर आपको डेमो अच्छा नहीं लगता तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहां पर हमने इनवॉइस नंबर ले लिया है और यहां पर जो हमारी आज की डेट होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ पर सेल टाइप के लिए हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। इसके बाद अगर हम यहाँ से कोई कस्टमर नेम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो कस्टमर की डिटेल है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ सिटी लिया है, बाकी अगर आप पूरा एड्रेस लेना चाहें तो पूरा एड्रेस भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ दूसरी कोई कंपनी सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर कोई आइटम ऐड करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर आइटम नेम सिलेक्ट किया तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है ये भी आ गया और इस आइटम से रिलेटेड जो डिटेल है वो भी यहाँ पर फिल हो चुकी है। ठीक इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरा आइटम ऐड करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो बाकी का काम है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और आप यहाँ पर सीरियल नंबर देख सकते हैं, मैं सीरियल नंबर यहाँ पर फिल नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जा रहा है। और यहाँ पर जो बाकी की डिटेल है ये भी सब फिलअप हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक और आइटम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सभी डिटेल है ये फिलअप हो चुकी है। यहाँ पर 00 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्वांटिटी मेंशन नहीं की। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी मेंशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ निकल के आ गया है, अमाउंट, GST अमाउंट, टोटल अमाउंट। और अगर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो जो हमारा यहाँ पर अमाउंट है ये भी निकल के आ गया और यहाँ पर जो IGST अमाउंट है ये भी निकल के आ गया। ठीक इसी तरह यहाँ हमारा टोटल अमाउंट भी आ गया और यहाँ पर जो अमाउंट है ये वर्ड्स में भी यहाँ पर आ चुका है, इंडियन रुपीज़ में। इसके बाद अगर हम यहाँ पर कोई दूसरी मान लीजिए स्टेट सेल करते हैं तो यहाँ हमने स्टेट सेल सिलेक्ट किया तो यहाँ पर CGST और SGST हमारा ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर एक बटन देख सकते हैं, इस बटन का नाम है नेक्स्ट इनवॉइस। ये मामूली सा बटन नहीं है, ये बहुत ही काम का बटन है। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है ये ऑटो चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जो पिछले बिल की डिटेल है वो सभी क्लियर हो जाएगी और इस इनवॉइस का आप बैकअप भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप देख रहे हैं 72, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 73 आ गया है, जो ऑटो चेंज हो चुका है और यहाँ पर जो पिछले बिल की डिटेल थी ये क्लियर हो चुकी है। तो जो हमारा पिछला बिल था वो 72 था। तो इसे हम देख लेते हैं क्या वो ऑटोमेटिक सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना रखा है इनवॉइस डेटा के नाम से। तो यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर 72 है ये आ चुका है, तो हम सिंपली इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा इनवॉइस नंबर 72 था वो यहाँ पर आ चुका है और आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं एज इट इज़ बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आए हैं। होप आपको डेमो अच्छा लगा होगा। अगर आपको डेमो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और हो सके तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देना। तो दोस्तों, ये है हमारा GST इनवॉइस का फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में हमने किसी तरह का फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ नहीं किया है। ये एक ब्लैंक फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को आप अपने अकॉर्डिंग और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह हम एक्सेल में GST इनवॉइस बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बना रखी हैं, जैसे कि एक है हमारी आइटम लिस्ट। इसमें हमने कुछ आइटम लिए हैं, इनके HSN कोड, GST रेट और इनका जो सेलिंग प्राइस या रेट है वो यहाँ पर हमने मेंशन किया है।
इसके बाद हमारे पास दूसरी लिस्ट है हमारे कस्टमर की। तो यहाँ पर हमने कस्टमर का नाम लिया है, जीएसटी नंबर लिया है और कस्टमर का एड्रेस लिया है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सिटी मेंशन किया है, बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पर पूरा एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने इनवॉइस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कस्टमर नेम के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम इसमें बनाएंगे, तो इसके लिए हम इस सेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जाना है डाटा वाले टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लिस्ट सिलेक्ट करनी है और इसके बाद आपको सोर्स में क्लिक करना है। इसके बाद हम जाएंगे पार्टी लिस्ट में और यहाँ से जो हमारी पार्टियों के नाम हैं इन सभी का हम सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है कस्टमर की, ये यहाँ पर बन जाएगी। ओके, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर जैसे ही हम किसी कस्टमर का नाम सिलेक्ट करें तो उसका जीएसटी नंबर और उस पार्टी का एड्रेस भी आ जाए यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वी लुकअप। तो अम्बे एजेंसी का जीएसटी नंबर यहाँ पर लेकर आने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना है इज़ इक्वल टू वी लुकअप, टैब की प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूले का जो सिंटेक्स है ये आ चुका है। तो सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब आप किस वैल्यू को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अम्बे एजेंसी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसे हम ढूंढना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेबल अरे, मतलब आपकी जो टेबल है वो कौन सी है जिसमें आप अम्बे एजेंसी को ढूंढना चाहते हैं। तो हम जाएंगे पार्टी लिस्ट में और इस पूरी टेबल का हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हमें आना है फॉर्मूला बार में और यहाँ पर लगाना है कोमा। इसके बाद ये पूछ रहा है हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर जो हमारा जीएसटी नंबर है वो दूसरे नंबर पर है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे कोमा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तो आपको 0 टाइप करना है, बाकी अगर आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो अम्बे एजेंसी का जीएसटी नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर हमें अम्बे एजेंसी का एड्रेस भी चाहिए, तो इसके लिए भी हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप टाइप करेंगे, टैब की प्रेस कर देंगे। इसके बाद लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हम अम्बे एजेंसी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कोमा लगाएंगे, टेबल अरे यहाँ पर देना है हमें, तो हम जाएंगे पार्टी लिस्ट में और यहाँ से हम अपनी पूरी टेबल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हमें जाना है फॉर्मूला बार में और यहाँ पर हम लगाएंगे कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यहाँ पर 3 मेंशन करेंगे क्योंकि जो एड्रेस है वो तीसरे कॉलम में है, तो यहाँ पर हमने 3 मेंशन किया। इसके बाद कोमा लगाना है, इसके बाद 0 टाइप करना है एग्जैक्ट मैच के लिए। इसके बाद फॉर्मूला क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो अम्बे एजेंसी का एड्रेस होगा वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना इनवॉइस नंबर मेंशन करना है। अगर आपने अभी कंपनी अपनी स्टार्ट की है तो आप यहाँ 1 से शुरू कर सकते हैं, बाकी अगर आप पहले मैनुअली बिल बनाते थे तो आप यहाँ से उस बिल के आगे का नंबर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए 50 तक हाथ से बिल बनाए, अब आप एक्सेल पर बिल बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 51 मेंशन करना है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें लेकर आनी है आज की डेट, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टुडे का फॉर्मूला। तो इसके लिए इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टुडे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी आज की डेट होगी वो निकल के आ जाएगी। बाकी आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि अगर हम कंट्रोल सेमी कॉलन का यूज़ करें तो भी आज की डेट आ जाएगी, लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा अगर आप यहाँ पर कंट्रोल सेमी कॉलन यूज़ करेंगे तो आपकी आज की डेट तो आ जाएगी, लेकिन आप जब भी नेक्स्ट डे इस फाइल को ओपन करेंगे तो जो आपकी डेट है वो ऑटो चेंज नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं जो आपकी डेट है वो ऑटोमेटिक चेंज होती रहे जब भी आप इस फाइल को ओपन करें, तो इसके लिए आपको यहाँ पर टुडे का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें मेंशन करना है सेल टाइप। तो सेल टाइप दो तरह की होती हैं, पहली होती है स्टेट सेल और दूसरी होती है इंटर स्टेट सेल। तो स्टेट सेल में हम अपने स्टेट के अंदर ही मटेरियल सेल करते हैं, जबकि इंटर स्टेट में हम अपने स्टेट के बाहर मटेरियल सेल करते हैं। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हमें जाना है डाटा वाले टैब में, इसके बाद हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्टेट सेल और यहाँ पर कोमा लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंटर स्टेट सेल, ओके। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है स्टेट सेल की और इंटर स्टेट सेल की, ये बन चुकी है। इसके बाद हम स्टेट सेल पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में हम अपने मटेरियल की डिटेल मेंशन करते हैं कि क्या क्या हमने मटेरियल सेल किया। तो यहाँ पर हम इसकी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम इन सभी सेल का सिलेक्शन कर लेते हैं क्योंकि हम इन सभी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। इसके बाद हमें जाना है डाटा वाले टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जाना है डाटा वैलिडेशन में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें सोर्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम आइटम लिस्ट में आ जाएंगे और यहाँ से जो हमारा ये सभी आइटम है इन सभी का हम सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो यहाँ पर बन चुकी है, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम एक आइटम सिलेक्ट करते हैं, गैस स्टोव टू बर्नर। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं जैसे ही हम किसी आइटम का यहाँ पर सिलेक्शन करें तो जो हमारा HSN कोड है, GST रेट है या आइटम का रेट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक निकल के आ जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर HSN कोड निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लुकअप वैल्यू देना है, तो लुकअप वैल्यू के लिए हम इस आइटम का सिलेक्शन करेंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें देना है टेबल अरे, तो टेबल अरे के लिए हम जाएंगे आइटम लिस्ट में और इस पूरी टेबल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हमें इस रेंज को फ्रीज कर देना है ताकि जब भी हम अपने फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करें या नीचे पेस्ट करें बाकी के सेल में तो जो हमारा टेबल का सिलेक्शन है वो बना रहे। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी टेबल है ये फ्रीज हो जाएगी क्योंकि इन सभी के आगे डॉलर का सिंबल आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। इसके बाद यहाँ पर हमें देना है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो जो हमारा HSN कोड है वो दूसरे कॉलम में है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 टाइप करेंगे, कोमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे, फॉर्मूला क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर गैस स्टोव 2 बर्नर का जो HSN कोड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर GST रेट भी अपना निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल टू, VLOOKUP टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू में इस सेल का सिलेक्शन करेंगे, कोमा लगाएंगे, टेबल अरे के लिए हम जाएंगे आइटम लिस्ट में और इसके बाद इस पूरी टेबल का सिलेक्शन करेंगे और अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे ताकि ये जो रेंज है ये फ्रीज हो जाए। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, कोमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें देना है 3 क्योंकि GST रेट तीसरे कॉलम में है। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप किया। इसके बाद कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे, फॉर्मूला क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो GST रेट दिखा रहा है यहाँ पर 0.18 दिखा रहा है। तो इसका जो फॉर्मेट है ये हमें चेंज करना होगा। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम Ctrl+1 दबाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल का विंडो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हमें सही परसेंटेज शो होगा। इसके बाद हम क्वांटिटी यहाँ पर मैन्युअली मेंशन कर देते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 10 पीस। इसके बाद यहाँ पर हमें मेंशन करना है रेट। तो अगर आपका जो रेट है वो फिक्स नहीं है
तो इसके लिए आप यहाँ पर मैनुअली रेट मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्वांटिटी मेंशन किया। बाकी अगर आपका जो रेट है वो फिक्स है तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे VLOOKUP का फॉर्मूला, ताकि जैसे ही हम यहाँ पर आइटम नेम सिलेक्ट करें तो जो हमारा रेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू, टाइप करेंगे VLOOKUP, टैब की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू में इस आइटम को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, टेबल अरे के लिए हम जाएंगे आइटम लिस्ट में और यहाँ से इस पूरी टेबल का हम सिलेक्शन करेंगे, F4 प्रेस करेंगे ताकि ये जो रेंज है ये फ्रीज हो जाए, यहाँ पर आएंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें देना है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो जो हमारा आइटम रेट है वो चौथे कॉलम में है तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 मेंशन करेंगे, इसके बाद लगाएंगे कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर गैस स्टोव 2 बर्नर का जो रेट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे, इसके बाद क्वांटिटी वाले सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और रेट पर क्लिक कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट होगा वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें GST अमाउंट कैलकुलेट करना है, मतलब कि इस अमाउंट पर GST कितना बना, तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल टू, इस सेल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और इसके बाद हम GST रेट वाले इस सेल पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 8500 पे 1530 रुपये हमारा GST अमाउंट लगा। इसके बाद यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट, तो इसके लिए इज इक्वल टू इस सेल पर क्लिक करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो इन दोनों का टोटल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कोई दूसरा आइटम सिलेक्ट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लाइटर मिनी लिया। इसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसे हमें नीचे की तरफ पेस्ट करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला हम बाकी के सभी सेल में पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही हमने अपना फॉर्मूला बाकी के सेल में पेस्ट किया तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है। ये एरर यहाँ पर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर किसी तरह की वैल्यू होती तो यहाँ पर किसी भी तरह का एरर हमें शो नहीं करता, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू ना होने के कारण यहाँ पर एरर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं आपको इस तरह का एरर शो ना हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना है इफ़ एरर का फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला सभी फॉर्मूलों में यूज़ करना पड़ेगा जितने भी फॉर्मूले आपने इस सीट में यूज़ किए हैं। जैसे कि यहाँ पर आते हैं हम HSN कोड में, यहाँ पर हमने यूज़ किया है VLOOKUP का फॉर्मूला, तो हम जाएंगे फॉर्मूला बार में और यहाँ पर टाइप करेंगे इफ़ एरर, टैब की प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी वैल्यू देनी है, तो ये हो गई हमारी पूरी वैल्यू। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे कोमा, इसके बाद यहाँ पर आ रहा है वैल्यू इफ़ एरर, मतलब अगर आपकी वैल्यू में एरर आता है तो आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लैंक दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम 2 बार डबल कोट्स लगाएंगे, इसके बाद फॉर्मूला क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद इस फॉर्मूले को बाकी के सेल में पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मूला बाकी के सेल में अप्लाई हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो एरर था ये हट चुका है। ठीक इसी तरह हम GST रेट में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार में जाएंगे और यहाँ पर इफ़ एरर टाइप करेंगे, टैब की प्रेस कर देंगे, इसके बाद वैल्यू ये हो गई हमारी, इसके लास्ट में आएंगे, कोमा लगाएंगे, वैल्यू इफ़ एरर, मतलब अगर आपकी वैल्यू में एरर आता है तो आप क्या दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्लैंक दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए 2 बार डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मूला बाकी के सेल में अप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर रेट में भी इफ़ एरर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इफ़ एरर टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, फॉर्मूले के लास्ट में आएंगे, कोमा लगाएंगे, 2 बार डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर भी हम 2 बार डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद हम आएंगे अमाउंट वाले सेल में,
इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इफ़ एरर टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कोमा लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे दो बार, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर दो बार डबल क्लिक, तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला बाकी के सेल में अप्लाई हो गया। ठीक इसी तरह हम जीएसटी अमाउंट को भी रेक्टिफाई कर लेते हैं। जाएंगे फॉर्मूला बार में, यहाँ पर इफ़ एरर टाइप करेंगे, टैब की प्रेस कर देंगे, कोमा लगाएंगे, दो बार डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसके बाद यहाँ पर दो बार डबल क्लिक, सॉरी एक बार डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे टोटल अमाउंट में और इसे हम F2 प्रेस करके ओपन कर लेंगे। फॉर्मूले के शुरू में आएंगे और यहाँ पर इफ़ एरर टाइप करेंगे, टैब की प्रेस कर देंगे, फॉर्मूले के लास्ट में आएंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर वैल्यू इफ़ एरर, दो बार डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जीएसटी अमाउंट की जगह टोटल लिखना था, हमें टोटल आ गया। इसके बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा हमने क्वांटिटी मेंशन कर रखी है इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम और भी आइटम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि चिमनी हो गया और यहाँ पर हमारा होब हो गया और इसके बाद यहाँ पर मिक्सर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका काम सिर्फ क्वांटिटी मेंशन करना रहेगा और आइटम नेम सिलेक्ट करना रहेगा, यही दो काम आपको करना होगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी हम 20 ले लेते हैं और यहाँ 15 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 15 ले लेते हैं। तो जो आपका काम है वो सारा यहाँ पर ऑटोमेटिक हो रहा है। इसके बाद दोस्तों हम सीरियल नंबर के लिए भी एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ताकि जैसे ही हम यहाँ पर कोई नया आइटम ऐड करें तो जो हमारा सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाए। बाकी आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि सीरियल नंबर मेंशन करने की क्या ज़रूरत है, हम सिंपली यहाँ 12 लिख कर नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से हम कोई आइटम डिलीट करते हैं तो यहाँ से जो हमारा सीरियल नंबर है इसे भी हमें डिलीट करना पड़ेगा, जो कि हम कई बार भूल भी जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ सीरियल नंबर में भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लगाते हैं इज इक्वल टू इफ़, टैब की प्रेस करते हैं, लॉजिकल टेस्ट में इस सेल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे इज इक्वल टू, दो बार डबल कोट्स, कोमा लगाएंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, तो यहाँ पर इस सिंटेक्स का मतलब ये है कि अगर हमारा B10 ब्लैंक हो तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू शो होनी चाहिए। तो अगर हमारा B10 यहाँ पर ब्लैंक हो, मतलब इसमें किसी भी तरह का आइटम नेम ना लिखा हो, तो यहाँ पर हमें ब्लैंक रिजल्ट चाहिए, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का सीरियल नंबर मेंशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो बार डबल कोट्स लगाया। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे कोमा। इसके बाद मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती है तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या शो करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हम शो करेंगे 1 यहाँ पर इसलिए टाइप कर रहे हैं क्योंकि जो सीरियल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो आ जाएगा। इसके बाद सीरियल नंबर 2 के लिए भी हम इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे और इसी फार्मूले को हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, बाकी के सेल में पेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो फार्मूला है ये थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ कैसे ये हम यहाँ पर सीरियल नंबर 2 लेकर आएंगे। इज इक्वल टू लगाएंगे, इफ़ टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में हम इस सेल पर क्लिक कर देंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है दो बार डबल कोट्स, इसके बाद लगाएंगे यहाँ पर कोमा। इसके बाद इस सिंटेक्स को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर हमारा B11 सेल ब्लैंक हो तो यहाँ पर आप क्या रिजल्ट चाहते हैं, तो यहाँ पर जो हम सीरियल नंबर चाहते हैं वो भी ब्लैंक चाहते हैं, तो इसके लिए हमने दो बार डबल कोट लगाया और इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे कोमा। इसके बाद वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती है इस सेल में तो यहाँ पर आप क्या रिजल्ट चाहते हैं, तो यहाँ पर हम चाहते हैं जो ये वाला सीरियल नंबर है इसमें 1 जुड़ जाए, तो यहाँ पर हमने A10+1 टाइप कर दिया। इसके बाद फॉर्मूला क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा सीरियल नंबर है ये निकल के आ जाएगा।
इसके बाद इस फॉर्मूले को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 तक सीरियल नंबर फिल हुए हैं। बाकी अगर यहाँ पर जैसे ही मैं कोई नया आइटम ऐड करूँगा, तो यहाँ पर जो हमारा सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप होता रहेगा। इसके बाद हम अपना टोटल अमाउंट यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सम का फॉर्मूला। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम, टैब की प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बेसिक अमाउंट आता है, तो इसके लिए हम इस पूरी रेंज का सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद इस फॉर्मूले को हम क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर इस इनवॉइस का जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चाहिए हमें टोटल अमाउंट, तो इसके लिए भी हम यहाँ सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम और इसके बाद टैब की प्रेस करेंगे और इस पूरी रेंज का सिलेक्शन करेंगे यहाँ तक। इसके बाद यहाँ फॉर्मूला क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट होगा वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ये चाहते हैं, अगर यहाँ पर स्टेट सेल सिलेक्ट हो तो यहाँ पर CGST और SGST ऑटोमेटिक आ जाए। बाकी अगर यहाँ पर इंटर स्टेट सेल सिलेक्ट हो तो यहाँ पर जो हमारा IGST है वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ़ फार्मूला। तो सबसे पहले हम इफ़ फार्मूले की मदद से यहाँ पर IGST लेकर आते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन और टाइप करेंगे इफ़, टैब की प्रेस करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हम इस सेल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे इज इक्वल टू और यहाँ पर डबल कोट्स में हम लिखेंगे इंटर स्टेट सेल। ओके, तो इंटर स्टेट सेल आपको एज इट इज जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है आपको ऐसा ही यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे डबल कोट्स, इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम कोमा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब अगर आपके I7 में इंटर स्टेट लिखा हुआ आए तो आप यहाँ पर क्या शो करना चाहते हैं, इस सेल में क्या शो करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं अगर हमारा I7 में इंटर स्टेट सेल लिखा हुआ आए तो यहाँ पर हमें IGST शो हो। तो इसके लिए हम यहाँ डबल कोट्स में IGST टाइप करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और इसके बाद कोमा लगाएंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब अगर आपके I7 में इंटर स्टेट सेल लिखा हुआ ना आए तो आप यहाँ पर क्या रिजल्ट चाहते हैं। तो हम चाहते हैं ये जो हमारा सेल है ये ब्लैंक आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर दो बार डबल कोट्स लगाएंगे और इस फॉर्मूले को हम कर देंगे क्लोज और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर IGST लिखा हुआ आ गया है। तो अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ इसे स्टेट सेल में तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये सेल ब्लैंक हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर CGST और SGST भी निकाल लेते हैं। तो CGST के लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इफ़ टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, इस सेल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर लगाना है हमें इज इक्वल टू का साइन, इसके बाद डबल कोट्स में स्टेट सेल टाइप करेंगे, दोबारा से डबल कोट्स लगाएंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे CGST, डबल कोट्स लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। तो अगर हमारे I7 सेल में स्टेट सेल लिखा हुआ आए तो यहाँ पर हमें रिजल्ट शो हो CGST। अगर यहाँ पर स्टेट सेल की जगह कुछ और लिखा आए जैसे कि इंटर स्टेट, तो यहाँ पर हमें ब्लैंक रिजल्ट चाहिए, मतलब ये जो हमारा सेल है ये ब्लैंक हो जाए। तो यहाँ पर हम दो बार डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर अभी स्टेट सेल सिलेक्ट है इसलिए यहाँ पर CGST आ रहा है। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर अपना SGST भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ़, टैब की प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में हम इस सेल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है इज इक्वल टू का साइन, इसके बाद यहाँ पर हम डबल कोट्स में स्टेट सेल लिखेंगे, दोबारा से डबल कोट्स लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे कोमा। इसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं अगर I7 में स्टेट सेल लिखा हुआ आए तो यहाँ पर हमें SGST लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए हम डबल कोट्स में
SGST टाइप करेंगे, दोबारा से डबल कोट्स लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, इसके बाद वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब अगर आपका यहाँ पर स्टेट से लिखा हुआ नहीं आता तो यहाँ पर आप क्या वैल्यू शो करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम ब्लैंक वैल्यू शो करना चाहेंगे इस सेल में, तो इसके लिए हम दो बार डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर SGST लिखा हुआ आ गया। इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ से इंटर स्टेट सेल सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा IGST आ गया और जो यहाँ पर CGST और SGST था वो हाइड हो गया। ठीक इसी तरह अगर मैं दोबारा से यहाँ पर स्टेट सेल सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर हमारा CGST और SGST आ गया और हमारा IGST हाइड हो गया। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा IGST, CGST और SGST को लेकर आने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू भी तो चाहिए, तो देखते हैं किस तरह हम यहाँ पर ऑटोमेटिक वैल्यू लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना CGST निकाल लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ़ फार्मूला। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू इफ़, टैब की प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में हम इस सेल पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है इज़ इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पर हम दो बार डबल कोट्स लगाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कोमा। तो दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूले का सिंटैक्स है मैं उसे आपको यहाँ तक समझा देता हूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये वाला सेल बराबर हो ब्लैंक के, मतलब ये सेल हमारा ब्लैंक हो, तो यहाँ पर आप क्या रिजल्ट देखना चाहेंगे। तो अगर यहाँ पर ब्लैंक होगा तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू देखना चाहेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर दो बार डबल कोट्स लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब अगर आपका यहाँ पर CGST लिखा हुआ आए तब यहाँ पर आप क्या चाहेंगे। तब दोस्तों आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, इसके बाद इस सेल में से आपको माइनस करना है अमाउंट को, इसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे दो से। दो यहाँ पर हम इसलिए टाइप कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा टैक्स होता है वो डिवाइड हो जाता है CGST और SGST में अगर हमारी स्टेट सेल होती है। इसके बाद इस फॉर्मूले को हम क्लोज करेंगे और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा CGST है वो निकल के आ जाएगा। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर अपना SGST भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू इफ़, टैब की प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में हम इस सेल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे इज़ इक्वल टू का साइन और यहाँ पर दो बार डबल कोट्स लगाएंगे, इसके बाद कोमा लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर ये सेल ब्लैंक हो तो यहाँ पर हम ब्लैंक वैल्यू चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर दो बार डबल कोट्स लगाएंगे, इसके बाद कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब अगर यहाँ पर SGST लिखा हुआ आए तो यहाँ पर आप क्या वैल्यू देखना चाहेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो ये हमारा सेल है इस सेल का नाम है I25, तो यहाँ पर हम I25 मैनुअली मेंशन कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है, आप चाहें तो इसे ऊपर मूव कर सकते हैं। तो अगर हम टोटल अमाउंट में से बेसिक अमाउंट को माइनस करेंगे तो जो हमारा GST टैक्स होगा वो निकल के आ जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम इस सेल पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इसे हम डिवाइड कर देंगे दो से। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, तो इसे भी हम क्लोज करेंगे और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा SGST है वो भी निकल के आ जाएगा। ठीक इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पर अपना IGST का भी अमाउंट लेकर आते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो सेल टाइप है इसे चेंज करना होगा, इसे आपको इंटर स्टेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे CGST और SGST यहाँ से हाइड हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ फॉर्मूला यहाँ पर वैल्यू लेकर आने के लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इज़ इक्वल टू, टाइप करेंगे इफ़, टैब की प्रेस करेंगे, इसके बाद हम लॉजिकल टेस्ट के लिए इस सेल पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है इज इक्वल टू का साइन और यहाँ पर दो बार हम डबल कोट का यूज़ करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। तो यहाँ पर अगर हमारा ये वाला सेल
ब्लैंक हो, तो यहाँ पर हम ब्लैंक वैल्यू देखना चाहेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर दो बार डबल कोट लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब अगर यहाँ पर IGST लिखा हुआ आए तो यहाँ पर आप क्या वैल्यू देखना चाहेंगे। तो दोस्तों हम चाहेंगे जो हमारा IGST है वो निकल के आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और इस सेल पर क्लिक कर देंगे। तो अगर हम टोटल अमाउंट में से अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा जो IGST है वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद आपको दोबारा ब्रैकेट क्लोज करना है और सिंपली एंटर प्रेस कर देना है, तो जो आपका IGST होगा वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर टोटल की जगह अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है, IGST है, टोटल अमाउंट है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी निकल के आ चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं जो भी हमारा ग्रैंड टोटल हो वो यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सेल एडिन फाइल का, जिसकी मदद से हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को इंडियन रुपीज़ में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये एडिन और कैसे हमें इसे एक्टिवेट करना है अपनी इस एक्सेल की फ़ाइल में। तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल वाले टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जाना है ऑप्शंस में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एडिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ गो पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर एडिन का जो विंडो है ये आ जाएगा। तो जो हमारी एडिन फाइल है उसे हमने सेव कर रखा है डेस्कटॉप पे, तो हम सिंपली ब्राउज पर क्लिक कर देंगे और इस एडिन फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो हम डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे क्योंकि जो हमारी एडिन फाइल है वो डेस्कटॉप पे है। तो इस नाम से हमारी ये एडिन फाइल है, स्पेल नंबर माई लाइफ सपोर्ट के नाम से। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए। इसके बाद हम सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे, तो जो हमारा एडिन फाइल है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको टिक लगा रहना चाहिए। इसके बाद हम सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं क्या ये एडिन काम करता है इस फाइल में या नहीं करता। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लगाना है इज इक्वल टू का साइन और यहाँ पर टाइप करेंगे स्पेल नंबर। तो यहाँ पर जो हमारा स्पेल नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है जैसे ही हमने टैब की प्रेस किया। इसके बाद हम इस सेल पर क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ये अमाउंट है इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होके आ गया है। बाकी इस एडिन को आपको बार बार अपनी एक्सेल सीट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमेशा आपकी एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद रहेगा और आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों इस इनवॉइस को रेडी करने के लिए हमें जितने भी फॉर्मूले या फंक्शन का उपयोग करना था उन सबको हमने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर जब भी हम एक्सेल में टैक्स इनवॉइस अपना बनाते हैं तो मेन दिक्कत ये रहती है इनवॉइस नंबर चेंज करने की। तो अगर आप मैनुअली इनवॉइस नंबर यहाँ पर चेंज करते हैं तो आपसे गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं और कई बार हो सकता है आप उसी बिल नंबर पर दोबारा से किसी और कस्टमर को बिल दे दें, तो इससे डुप्लीकेसी भी हो सकती है। बाकी दोस्तों जब भी आपको नया बिल बनाना पड़ेगा तो आपको यहाँ से पूरा मैटर क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं जो आपका इनवॉइस है वो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाए और जो आपका यहाँ पर कंटेंट है वो भी डिलीट हो जाए ताकि आप दूसरा इनवॉइस बना सकें, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे BBA कोडिंग का। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं ताकि जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमारा इनवॉइस नंबर और यहाँ पर जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाए। तो बटन बनाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट वाले टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ढेर सारी सेव देखने को मिल जाती है, तो जो भी शेप आपको पसंद आती है आप यहां से उस शेप का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये रेक्टेंगुलर शेप यूज़ करनी है तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पर बटन बनाने के लिए हम अपने माउस का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो हमारा बटन है ये बन चुका है। इसके बाद आप यहाँ ऊपर से जो इसका कलर है उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कलर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट हमें मेंशन करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट इनवॉइस। इसके बाद हम इन सभी टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे अपने माउस की मदद से। इसके बाद इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 18। ओके, इसके बाद हम इसे बोल्ड कर देते हैं और इटैलिक भी कर देते हैं कंट्रोल बी और आई प्रेस करके। इसके बाद यहाँ से हम इसका जो बटन का साइज है वो बढ़ा लेते हैं ताकि जो हमारा नेक्स्ट इनवॉइस है वो हमें दिखने लगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बटन है ये तो बन चुका है, लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा। ये काम तब करेगा जब हम इसे मैक्रो से असाइन करेंगे। तो मैक्रो असाइन करने के लिए आपको सबसे पहले मैक्रो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी जो मैक्रो लिखने वाले हैं हम इनवॉइस नंबर के लिए लिखने वाले हैं, मतलब जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करें तो जो हमारा इनवॉइस नंबर है ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर का सेल रेफरेंस है, मतलब 51 का जो सेल रेफरेंस है, इसे नोट डाउन करके रख लेना है। तो यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस नंबर है I5, ये आपको नेम बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ इनवॉइस नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मैक्रो का। तो मैक्रो लिखने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से Alt+F11 की एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप पहले से एक लिखा हुआ मैक्रो देख सकते हैं। तो इस मैक्रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जाना है इंसर्ट वाले टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मॉड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक नई विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो इस नई विंडो में हमें अपना मैक्रो लिखना है। तो यहाँ पर जो भी हम कोड लिखते हैं वो सब से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ सब टाइप करेंगे, स्पेस देंगे। इसके बाद हम इस मैक्रो को एक नाम दे देते हैं, तो जिस नाम से हमने अपना बटन बनाया था वही नाम हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, नेक्स्ट इनवॉइस। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो हमारा मेन कोडिंग है वो स्टार्ट होता है रेंज से, स्पेस देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें उस सेल का रेफरेंस नंबर मेंशन करना है जिस सेल को हम चेंज करना चाहते हैं। तो जो हमारा इनवॉइस नंबर था वो I5 सेल में था, तो हम यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे और I5 टाइप करेंगे। दोबारा से डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है डॉट और इसके बाद हम टाइप करेंगे वैल्यू, स्पेस देंगे और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, स्पेस देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है रेंज, स्पेस देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वही सेल रेफरेंस आपको दोबारा मेंशन करना है जिस सेल रेफरेंस को आप चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे, I5 टाइप करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें डॉट लगाना है, वैल्यू टाइप करेंगे और +1 टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कोडिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम सिंपली यहाँ एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पहली कोडिंग सीरियल नंबर को चेंज करने के लिए। इसके बाद हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो हम इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ बटन में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो अभी हमने मैक्रो लिखा था उसे हमें यहाँ पर इस बटन में ऐड करना है, तो इसके लिए हम अपने माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर असाइन मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अभी जो मैक्रो हमने लिखा था उसका नाम यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट इनवॉइस, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो मैक्रो था वो इस बटन के साथ अटैच हो गया है। इसके बाद जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा इनवॉइस नंबर है ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ये भी चाहते थे कि जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो पिछले बिल की डिटेल है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए,
जैसे कि यहाँ पर कस्टमर से रिलेटेड डिटेल ये सब क्लियर हो जाए और हमने क्या आइटम सेल किया है पार्टी को वो सभी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम एक और मैक्रो का यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम दी गई रेंज को ईजिली डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ऐसी रेंज को देना है जिसे हम डिलीट करें तो इससे हमारे किसी भी फार्मूला या फंक्शन पर प्रभाव ना पड़े। जैसे कि अगर हम यहाँ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, अगर हम इसे डिलीट करते हैं तो यहाँ पर बाकी की चीज़ें डिलीट हो गई, लेकिन यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये डिलीट नहीं होगी। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो गई, सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटी बचता है जिसे हमें मैनुअली डिलीट करना पड़ता है। ध्यान रखना, आपको यहाँ पर किसी ऐसी फील्ड को डिलीट नहीं करना जिसमें हमने किसी फॉर्मूले को यूज़ किया हो। जैसे कि जीएसटी नंबर में हमने वीलुकअप यूज़ किया है, एड्रेस में यूज़ किया है, एचएसएन कोड, जीएसटी रेट और यहाँ रेट अमाउंट, इन सब में हमने फार्मूला यूज़ किया है। तो जहाँ जहाँ भी हमने फार्मूला यूज़ किया है इन्हें हमें गलती से भी डिलीट नहीं करना, क्योंकि अगर हम इन्हें डिलीट कर देंगे तो जो हमारा इनवॉइस बनेगा उसमें एरर आएगा और आप परेशान हो जाओगी कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो गलती से भी आपको यहाँ पर जो भी फार्मूला आप लगा रहे हैं उसे डिलीट नहीं करना। तो हम अपने डेटा को पहले जैसा कर लेते हैं कंट्रोल जी प्रेस करके। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ तीन चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी, पहला है कस्टमर नेम और दूसरा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और तीसरा है क्वांटिटी। तो यहाँ पर इनकी रेंज आपको नोट डाउन करके रख लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम मैक्रो यूज़ करेंगे उसमें हमें यहाँ पर रेंज देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कस्टमर नेम है अंबे एजेंसी, इसे हमने 5 सेल में मर्ज किया है सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पर हमें इसकी पूरी रेंज देनी होगी, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो C5 से लेकर G5 तक बनेगी। इसके बाद अगली जो रेंज हमें डिलीट करनी है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है। तो ये जो रेंज शुरू होती है ये B10 से लेकर ये होती है B20 तक। B10 आपको नेम बॉक्स में दिखाएगा, B20 नहीं दिखाएगा। तो आपको B10 से लेकर B20 तक डिलीट करना है, तो इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्वांटिटी डिलीट करनी है, तो ये क्वांटिटी शुरू होती है E10 से लेकर E20, क्योंकि ये E कॉलम में है इसलिए ये E10 से लेकर E20 तक ख़त्म होती है। तो यहाँ नेम बॉक्स में आपको E10 शो होगा। इसके बाद हम अपना विजुअल बेसिक का विंडो ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से Alt F11 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जिस विंडो में हम अपना BBA कोड लिख रहे होते हैं उसकी विंडो हम गलती से क्लोज कर देते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि हम किस विंडो में या किस मॉड्यूल में अपना कोड लिख रहे थे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि ये मॉड्यूल 1 है और नीचे भी आपको मॉड्यूल 1 दिखाई देगा। तो इसका पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल, ये स्पेल नंबर मतलब हमारे एडिन का है और दूसरा जो मॉड्यूल है जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह की विंडो ओपन करने के लिए आपको सिंपली मॉड्यूल पर डबल क्लिक कर देना है, तो ये जो विंडो होगी ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अभी हम अपना कोड इसी विंडो में लिखने वाले हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड सब के ऊपर। तो अभी जो कोड हम लिखने वाले हैं ये रेंज को डिलीट करने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे रेंज, स्पेस देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें रेंज देनी है कि कहाँ से कहाँ तक आप अपनी रेंज को डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम डबल कोट्स लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम C5 से लेकर G5 तक डिलीट करना चाहते थे, तो हम C5:G5 टाइप करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और क्लियर कंटेंट लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्लियर कंटेंट है ये कमांड आ चुकी है, तो आप सिंपली टैब की प्रेस कर सकते हैं या फिर स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और अभी यहाँ पर हम अपनी दूसरी रेंज देंगे जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रेंज, स्पेस देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और इसके बाद अभी जो रेंज हम डिलीट करना चाहते हैं वो B10 से लेकर B20 तक डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ B10:B20 हमने लिख लिया। इसके बाद डबल कोट्स लगाएंगे,
ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें डॉट लगाना है और लिखना है क्लियर कंटेंट। तो यहाँ पर जो क्लियर कंटेंट है ये आ चुका है, तो हम सिंपली टैब की प्रेस कर देते हैं। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी तीसरी रेंज देंगे जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम रेंज टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे। इसके बाद जो हमारी तीसरी रेंज थी जिसे हम डिलीट करना चाहते थे वो क्वांटिटी की थी, तो यहाँ पर हम रेंज देंगे E10 से लेकर E20। ओके, तो यहाँ हमने E10 कॉलन E20 टाइप किया। इसके बाद डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर डॉट लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्लियर कंटेंट। इसके बाद हम टैब की प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा मैक्रो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसे ऊपर से मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बटन पे जिसे हम टेस्ट करके अभी देखेंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है ये चेंज हो गया, और यहाँ पर जो फील्ड थी वो भी क्लियर हो गई। इसके बाद यहाँ पर हम एक दूसरी एंट्री करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने BGS के ले लिया, और यहाँ पर हमने 2-3 आइटम ऐड कर दिए। इसके बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी ले लेते हैं। इसके बाद हम दोबारा नेक्स्ट इनवॉइस पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है ये भी चेंज हो गया, और यहाँ पर जो पिछले बिल की डिटेल थी ये भी क्लियर हो गई। इसके बाद दोस्तों अभी मैं आप सबको एक ऐसे BBA कोड के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने सभी इनवॉइस का बैकअप ले सकते हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर जो हमने बटन बनाया है हम उस कोड को भी इस बटन से अटैच कर देंगे, और जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं वो तो होती रहेंगी, जैसे कि हमारा इनवॉइस नंबर है ये भी चेंज होता रहेगा, और जो पिछले बिल की डिटेल है वो भी क्लियर होती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा इनवॉइस है वो भी सेव होता रहेगा। तो बहुत ही काम का ये VBA कोड है, और इस कोड को मैंने लिख रखा है अपनी नोटपैड की फ़ाइल में, और इस नोटपैड की फ़ाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो सबसे पहले हम इस VBA कोड को कॉपी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएंगे। इसके बाद हम अपना जो विजुअल बेसिक का विंडो है इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ऑल्ट F11 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो विजुअल बेसिक का विंडो है ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमें जाना है इंसर्ट वाले टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें मॉड्यूल पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर मॉड्यूल 2 के नाम से एक नई विंडो आ जाएगी। इसके बाद जो कोड हमने कॉपी किया था उसे हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दो चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला, जो मैंने यहाँ फाइल पाथ लिख रखा है इसे आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब जिस भी फोल्डर में आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं, अपने सभी इनवॉइस को सेव करना चाहते हैं, उस फोल्डर का आपको यहाँ पर पाथ मेंशन करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दूसरा जो चेंज करना है ये यहाँ पर सेल रेफरेंस आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपने सभी इनवॉइस को इनवॉइस नंबर के नाम से सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमने I5 मेंशन कर दिया। बाकी अगर आप अपने सभी इनवॉइस का जो बैकअप है वो पार्टियों के नाम से रखना चाहते हैं तो जिस भी सेल में आपकी पार्टी का नाम मेंशन हो उस सेल को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है I5, तो जो हमारा बिल नंबर है वो I5 सेल में मौजूद है, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो फाइल पाथ है इसकी जगह हमारा फोल्डर का लोकेशन आएगा। तो सबसे पहले हम इन सब को मिनिमाइज़ कर लेते हैं और डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेते हैं। तो आप DE कहीं पर भी अपना फोल्डर बना सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और N बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर न्यू फोल्डर आ जाएगा। इसके बाद इस फोल्डर को हम एक नाम दे देते हैं, जैसे कि इनवॉइस डेटा। इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सभी फोल्डर की जो लोकेशन है ये मिल जाती है। तो यहाँ पर जो इस फोल्डर का फाइल पाथ है ये यहाँ पर आ चुका है, तो हम सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेंगे।
इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक्सेल में और यहाँ विजुअल बेसिक का जो विंडो है इसे ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो फाइल पाथ है यहाँ पर हमें अपने फोल्डर की लोकेशन पेस्ट कर देनी है, तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद जो हमारा सारा काम था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपली इसे मिनिमाइज कर लेना है और अपनी एक्सेल सीट में आ जाना है। इसके बाद हम यहाँ बटन पे आ जाते हैं अपने, और यहाँ पर हम अपने माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा असाइन मैक्रो का, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो हमने अपना दूसरा मैक्रो लिखा था वो सेव इनवॉइस विद न्यू नेम के नाम से लिखा था, तो यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा मैक्रो था वो भी इस टैब के साथ अटैच हो गया है। इसके बाद हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल नंबर था ये चेंज हो गया और यहाँ पर जो फील्ड थी ये भी क्लियर हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरी एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर हम दो तीन आइटम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं। इसके बाद दोबारा से हम नेक्स्ट इनवॉइस पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा काम था ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इसके बाद हम ये भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो इनवॉइस है वो ऑटो सेव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम इनवॉइस डेटा में आएंगे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने दो एंट्री की थी जिनका बैकअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा इनवॉइस वही है या दूसरा है। तो यहाँ इनवॉइस नंबर 58 आ गया और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो फॉर्मेट था वो एज इट इज़ बना हुआ है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस इनवॉइस को बनाने के लिए हमने बहुत से मैक्रो का यूज़ किया है, तो जिस भी एक्सेल सीट में हम मैक्रो का यूज़ करते हैं उसे हमें एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव करना होता है, तो इसे भी हमें एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव करना होगा। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर सेव एज का विंडो आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फाइल का नाम देना है। इसके बाद सेव एज टाइप में आपको एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक सिलेक्ट करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद हम इसे सेव पर क्लिक कर देंगे, तो जो हमारी फाइल है ये एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट एंड बाय बाय।